नमस्कार, प्रणाम, राम राम, जय श्री कृष्णा। कैसे हो दोस्तों? जय श्री महाकाल। दोस्तों, इस समय महाकाल जी की नगरी में है, उज्जैन में, और यहाँ से हम प्रस्थान कर रहे हैं इंदौर की तरफ, जो कि यहाँ से नियर अबाउट 60 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आज नया साल है 2024 का, आज पहला दिन यानी कि 1 जनवरी है। तो आज नए साल की आप सभी लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं, आशा है, उम्मीद है कि महाकाल जी की कृपा से आप लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएंगी, आपके परिवार में ढेर सारी खुशियाँ आएंगी, और आप सदैव स्वस्थ और मस्त रहेंगे और अपने कार्यों में उन्नति करें। और आपके साथ साथ हम भी स्वस्थ मस्त रहें, हमारे फैमिली में, हमारे परिवार में ढेर सारी खुशियाँ आएँ और हम भी अपने कार्य में काफ़ी ज़्यादा उन्नति करें। महाकाल जी से बस यही विनती है। तो दोस्तों, इस प्यारी से सफ़र को आगे बढ़ाते हुए हम इंदौर की तरफ चलेंगे। तो हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, तभी पूरी जर्नी हमारी जान पाएंगे, आप हमारे इस संघर्ष को जान पाएंगे। तो और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको हमारे वीडियो कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा बुरा लगा, या जो भी हो, एनीथिंग जो आपको समझ में हो, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब लिफ्ट लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, नए साल में एक नई शुरुआत करते हैं महाकाल जी की नगरी से। दोस्तों, हम रोड पर लिफ्ट मांग रहे थे, नियर अबाउट आधे किलोमीटर चले होंगे। तो ख्याल एक भाई ने पल्सर बाइक से आ रहे थे, जैसे रुके उनके बैठ के जैसे कुछ दूर आगे चले, वो हालांकि 5-10 किलोमीटर ही सिटी एरिया में ट्रेवल करने वाले थे। ये अंकल जी मिल गए, ये जा रहे हैं इंदौर, इन्होंने हम इनको ध्यान भी नहीं दिए। ये अंकल जी साइड में रोके अपनी कार को और हमने पूछे बाइक पर से, कहाँ, हमने बताया कि इंदौर जाना है, तो अंकल जी बोले हम इंदौर चल रहे हैं, जाओ आपको लेकर चलते हैं। इन अंकल जी के साथ हमारी जर्नी इंदौर की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि उज्जैन से और इंदौर की दूरी नियर अबाउट 60 किलोमीटर करीब है। तो फिलहाल अंकल जी उज्जैन के रहने वाले भी हैं और इंदौर अपनी जॉब शायद करते हैं। तो अंकल जी, आप उज्जैन के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में, हमारे जर्नी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी यात्रा भी आप निकले हैं, भगवान आपकी यात्रा सफल करें। अभी आप उज्जैन आए थे, महाकाल दर्शन करा, महाकाल बाबा का एक अलग ही वैभव, अलग ही स्वरूप है जी। और हम तो वहीं के रहने वाले हैं, तो हम बड़े अपने आप को धन्यवाद देते हैं कि इस नगरी में हम पैदा हुए और वहाँ रह रहे हैं। आपको इस बात का सौभाग्य मिला कि आप अपनी यात्रा में इस जगह पे भी आ पाए हैं। अब यहाँ से आप इंदौर जा रहे हैं, इंदौर से ओंकारेश्वर जाएंगे, वो भी 12 जो कि लोगों में से एक है जो कि लिखे। उज्जैन वैसे तो कहने की बात नहीं है, पर पूरा भारत जानता है कि उज्जैन का क्या महत्व है। यहाँ पे 12 साल में एक बार सिंहस्थ लगता है, महाकाल बाबा यहाँ के राजा हैं, यहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर है। यहाँ का भोजन के बारे में बात करें तो आपको मालवा का भोजन सबसे स्वादिष्ट खाना मिलेगा, यहाँ पे खाने के बड़े शौकीन हैं। दाल बाटी चूरमा यहाँ का फेमस। अच्छा सामने, हाँ हाँ ये सर, यहाँ बताया, यहाँ के दाल बाटी चूरमा काफी अच्छा मिलता है। यहाँ जैसे बिहार में लिट्टी चोखा होता है, वैसे यहाँ दाल बाटी बनती है, बड़ा स्वादिष्ट खाना होता है। आप यहाँ पे आए हैं तो ट्राई कीजिएगा, ओंकारेश्वर जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको लॉज वगैरह के सामने जो रेस्टोरेंट है वहाँ मिल ही जाएंगे जी, एक बार ट्राई कीजिएगा जी। बाकी इंदौर जो देवी अहिल्याबाई की नगरी है, यहाँ का भी एक अलग ही महत्व है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, नंबर वन जी, लगातार 4 बार नंबर वन पोजिशन पे आ चुका है और शायद इस बार 5वीं बार भी आएगा। बाकी सब बढ़िया। तो दोस्तों, फिलहाल अंकल जी के मुखाकृति से आपने कुछ यहाँ के बारे में कुछ सुना, क्योंकि ये तो सभी लोग वास्तव में जानते हैं कि उज्जैन का क्या महत्व है हिंदू धर्म की परंपरा में और भारत के लिए भी क्या महत्व है, सभी लोग जानते होंगे, इससे सभी लोग हमारे ख्याल से परिपक्व होंगे। और रही बात इंदौर चल रहे हैं तो अंकल जी की ने बताया कि 4 साल से नंबर वन पे इंदौर सिटी है स्वच्छता के मामले में। वास्तव में दोस्तों, काफ़ी साफ सफाई यहाँ पे,
जो है उसको हम देखने के लिए काफी उत्सुक है। तो चलिए हम लोग वहाँ की इंदौर को देखेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मेन रोड जाम होने की वजह से हम लोग गांव में से घूम कर चल रहे हैं, मतलब गांव-गांव आगे बढ़ रहे हैं इंदौर की तरफ। जाम होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ट्रक और बस ड्राइवर जो है वो ट्रक और बस को बीच रोड पे खड़ा करके पूरा रोड जाम कर दिए हैं। वो हड़ताल पे है इस समय, और उनका हड़ताल करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि भारत सरकार द्वारा एक कानून में संशोधन किया गया है। वो कानून है हिट एंड रन केस। दरअसल पहले एक्सीडेंट होता था तो उसमें ड्राइवर्स कुछ डिपॉजिट भर के ऐसे साथ छूट जाते थे इंदौर। लेकिन अब क्या है कि संशोधन में भारत सरकार के इस कानून के संशोधन में ये किया गया है कि ड्राइवर को 10 साल तक जेल और 7,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके विरोध में इसी का ड्राइवर विरोध कर रहे हैं और ट्रक बस मेन रोड पर खड़े करके पूरा जाम कर दिए। फिलहाल हम लोग इंदौर के गांव से गुजर रहे हैं। मैं बालिया गांव में पहुंचा हूं। यहां का एक गांव होता है बालिया। See it on my face, I made up my mind. Not another day, you're on borrowed time. Let me get away. 60 किलोमीटर की जर्नी हम कंप्लीट करके इंदौर सिटी में आ चुके हैं, जो कि भारत की सबसे साफ और स्वच्छ सिटी है। और इंदौर में इस समय हम विजयनगर के पास हैं। ये देखिए हमारे सामने विजयनगर चौक है, और आप देख सकेंगे जगह जगह ऑटो, इधर टैक्सी, जो भी ऑटो, ट्रक और बस सब जगह जगह खड़ी पड़ी है। सभी ड्राइवर हड़ताल पे हैं। यहाँ पे काफ़ी हड़ताल चल रहा है, लग रहा है पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। देखिए लोग अभी भाग रहे हैं, ये देखिए लोग भाग रहे हैं, लग रहा है पुलिस लाठी चार्ज किया। ये लोग एक काम गलत कर रहे हैं। अपनी मांग रखना जायज है, लेकिन रोड जाम नहीं करना चाहिए पूरी तरह से। ये जो निजी वाहन से लोग जा रहे हैं उनका भी रास्ता लोग ब्लॉक कर दिए हैं। हम लोग इसी का शिकार हम लोग हुए हैं रास्ते में। खैर देखिए वहाँ पे ये देखिए ये जो बस है इसमें पुलिस गाड़ी है, इसमें पुलिस लोगों को भर के लेके जा रही है। काफ़ी पुलिस फोर्स आ भी रही है, साइड से फोर्स उधर से आ रही है, और इधर पुलिस ने लाठी चार्ज किया था, लोग इधर आए। ये हड़ताल 3 तारीख तक है, 3 दिन चलेगा इनका शायद। तो अब सभी टैक्सी जो भी है, ऑटो हुआ, बस हुआ, ट्रक हुआ, तो 3 दिन तक बंद रहेंगे। और तीन दिन तक शायद इधर पेट्रोल और डीजल की भी कमी होगी। खैर यहाँ से हमें राजवाड़ा जाना है, जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। हमें इस तरफ चलना है। लाठी चार्ज जैसे पुलिस की है, कुछ लोग इधर आकर अपना, इधर ड्राइवर लोग अपनी रणनीति बना रहे हैं, और उधर सामने आप देख सकते हैं वो मेट्रो, ये मेट्रो लाइन बन रही है, इसके नीचे जस्ट ये देखिए यहाँ पे पुलिस काफ़ी खड़ी है, और पुलिस वहाँ पे अपनी रणनीति बना रही है। कोई उनको गाइड कर रहा है, कोई इनमें से एक उनका ऑफिसर, उसी हिसाब से अभी हमें लगता है वो कार्य करेंगे। और यहाँ पर ड्राइवर लोग हैं अपनी मांग को लेकर यहाँ पे वो हैं। देखिए क्या होता है, पुलिस भाई जैकेट वैकेट पहन के रेडी है, अपना कोट वोट जो ऊपर से सुरक्षा के लिए पहनते हैं वहाँ पे। जैसे एक तरफ से तितर बितर कर रहे हैं, दूसरे तरफ से इकट्ठा हो जा रहे हैं लोग। हमें लगता है शाम तक कुछ बड़ा यहाँ पे होगा जरूर, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे गतिविधियाँ देखने को मिल रही है, कुछ शाम तक हो सकता है कुछ अलग। उधर पुलिस भी तैयार है, इधर ड्राइवर्स भी तैयार है, अपने यूनियन बना रहे हैं, और उधर पुलिस की वैन भी तैयार है ले जाने के लिए। देखिए क्या होता है, कल न्यूज़ में तो पता चलेगी। सामने से पुलिस आ रही है अलर्ट लेकर, अब ड्राइवर लोग इधर उधर भाग रहे हैं, तितर बितर हो रहे हैं। हमें लग रहा था क्योंकि वहाँ पे कोई ऑफिसर उनको गाइड कर रहा था, इधर कोई एक ऑफिसर है, ये खुद चल के आ रहा है, एसआई लग रहा है ये बंदा, उनको गाइड कर रहा है। उनको जैसे ही इधर पुलिस वालों को गाइड किया, ये पुलिस वाले ड्राइवरों को खदेड़ रहे हैं। देखिए मैंने अपनी लाइफ में पेट्रोल पंप पर इतनी भीड़ पहली बार देखी है। और लोग बता रहे थे कि यहाँ पर 70% पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल की कमी हो गई है, और कुछ लोग तो हैं 175 रुपये तक पेट्रोल दे रहे हैं, ऐसा कुछ लोग बता रहे हैं। जबकि हमें भाई कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, कुछ लोग बातें कर रहे थे उस हिसाब से मैं बोल रहा। तो काफ़ी भीड़ लगी है यहाँ पेट्रोल पंप पर। आप इस भीड़ को देखकर समझ सकते हैं क्या स्थिति होने वाली है अगले 2-4 दिनों में। हालांकि जैसा भी होगा कल परसों तक कुछ न्यूज़ तो मिल ही जाएगी। राजवाड़ा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, भूख लगी है, सोचें खाना खा लें। दिन के 2 बज रहे हैं, तो खाने का ऑर्डर दिए हैं। ये देखिए इधर ये ढाबा संचालित है, यहीं पे बैठे हैं रोड के किनारे साइड छोटा सा। तो अब जैसे खाना आता है तो खाना खाया जाए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
फिलहाल देखिए बैग यहीं पर रख दिए बैठे हैं, बहुत से लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं हमारी तरफ। खाना हमारा आ चुका है, ये है सेव टमाटर और रोटी, हमने यही मंगाई है, तो खाना खाया जाए। अब देखते हैं कैसा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा दिनों बाद सेव टमाटर खा रहे हैं इधर। ठीक है खाते हैं। ये इंदौर है, कहते हैं कि सबसे साफ और स्वच्छ सिटी भारत की है, जो कि लगातार 4 वर्षों से प्रथम स्थान पर आ रही है साफ सफाई के मामले में। यहाँ पे बहुत से जगह पे काफ़ी गंदगी देखने को मिल रही है। अब किस हिसाब पे और क्या इन लोगों का मानक है तो हमें नहीं पता, लेकिन नीचे फिलहाल ये जैसे रोडों पर देखिए, कुछ रोडों पर उधर है, कई जगह मैंने ऐसे देखा, और आगे भी आपको दिखाई पड़ेगा तो दिखाऊंगा। अब इनका मानक क्या है तो हमें नहीं पता, लेकिन नीचे काफ़ी गंदगी कई जगह हमने देखी है और आगे आपको मिलेगा, दिखाऊंगा भी। ये देखिए मैंने कई जगह देखा ऐसे जाली बनाकर छड़ की, और उस पर छोटे छोटे गमले में, ये देखिए आप, छोटे छोटे गमले में ये पौधे लगाए गए हैं, ये पूरा इसी तरह इस तरफ भी, और देखिए पूरा उस तरफ ऐसे पुल पे, ये पुल है, नीचे नाला बड़ा है उसके ऊपर ये पुल है, और ये साइड साइड में जाली बनाकर ये लगाया गया है। ये चीज़ें मैंने कई जगह देखी, ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी हमें। और फिलहाल इधर तो साफ सफाई दिख रही है। दोस्तों हम रजवाड़ा के पास पहुंच चुके हैं, सामने आगे ये बिल्डिंग जो दिख रही है वाइट, ये रजवाड़ा की शायद एरिया है, ये बिल्डिंग वहाँ की है, किले की है शायद, और ये रजवाड़ा की मार्केट है, रोड के साइड साइड में लगी हुई है दोनों तरफ। ये देख सकते हैं रजवाड़ा की मार्केट है, जो कहते हैं ये पुराना शहर के नाम से बहुत प्रसिद्ध है रजवाड़ा, और वहाँ की ये मार्केट है। यहाँ पे कपड़े से लेकर ज्वेलर से लेकर बर्तन से लेकर बहुत कुछ चीज़ें यहाँ की बहुत फेमस होते हैं, और लोग बताते हैं कि ये बाज़ार रात तक काफ़ी ओपन रहती है, जैसे दिल्ली में करोल बाग हो गया उसी तरह लोग इंदौर की इस मार्केट के बारे में बता रहे थे, तो काफ़ी कुछ चीज़ें इधर की बता रहे थे लोग। तो खैर चलिए बढ़ते हैं आगे रजवाड़ा तरफ, इधर तो काफ़ी क्लीन दिख रहा है, वैसे इधर क्लीन में कोई कमी नहीं है। रजवाड़ा है, यहाँ पे प्राचीन एक इमारत है, सोचे हैं कि घूमेंगे और आप लोग भी दिखाएंगे, लेकिन आज का आना व्यर्थ हो गया, क्योंकि हर मंडे को बंद रहता है, यानी हर सोमवार को बंद रहता है, तो आज बंद है, शायद ओपन ही नहीं होगा। देखिए कुछ सामने से इसका भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये ऊपर देखिए, ये ऊपर की डेंटिंग पेंटिंग की गई है, और सामने से इसका मेन गेट है, यहाँ से एंट्री शायद होती है, और ये देखिए कुछ एरिया में है लेकिन बंद है यार, नहीं हो पाएंगे, आज की मेहनत बेकार हो गई। अब कोई बात नहीं, हम तो आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ सबसे चलेंगे ठंडवा, अब क्या करें, अब बंद है, तो अब ज़्यादा कुछ यहाँ पे दूसरा कोई खास चीज़ घूमने की नहीं पता चली। हालांकि एक इंटरनेशनल स्टेडियम है और एक एयरपोर्ट है, तो वहाँ पे अब नहीं जा रहे, उसको ड्रॉप कर रहे हैं। अब यहाँ क्या पूरी जर्नी अब ड्रॉप करते हैं इंदौर के, हम खंडवा पढ़ेंगे आगे। फिलहाल इसके पहले कुछ फ़ोटो भी निकाल लिया जाए, आए नए साल पे, तो नया साल पे कुछ फ़ोटो तो लेना बनता है, और यहाँ पे हम सब मंदिर नहीं जा सकते, तो गेट पर से फ़ोटो ही ले लेते हैं। अब यहाँ से निकल रहे हैं, अब चल रहे हैं खंडवा, यहाँ की अब कोई हमारा वैसा जगह नहीं मिल रहा है जहाँ पे जाएँ। एक इंटरनेशनल स्टेडियम है, वो भी अंदर लोग नहीं जाने देंगे कि देख सकें अंदर से, बाकी खास कोई जगह नहीं है, नॉर्मल एक दो जगह लोग बता रहे हैं। और ये जो मार्केट है इसको लोग बता रहे हैं, इसका व्यू रात में काफ़ी अच्छा होता है, और रात यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन इस मार्केट के लिए अब तो रुकना हमें लग रहा है कि नहीं उचित है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं खंडवा की तरफ। यहाँ से नियर अबाउट 80 किलोमीटर है, ट्रक बस के सभी ड्राइवर हड़ताल किए हैं, तो देखिए कोई लिफ्ट मिलती है कि नहीं, दिक्कत होगी इधर, लेकिन देखिए क्या होता है, चलते हैं। रजवाड़ा मार्केट रोड के दोनों तरफ लगा हुआ है, लेकिन इतना भीड़ भाड़ होने के बावजूद इधर साफ़ सफाई अच्छी है, ये तो है, इधर बढ़िया साफ़ सफाई है, थोड़ा सा बीच में गंदगी कुछ मिली थी, बाकी जगह तो साफ दिख रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। रोड पे आगे बढ़ रहे हैं, फिलहाल एक जूते का शोरूम मिला इधर, देखिए ये जूते का एक शोरूम है,
हमें लग रहा है ये चमड़े के जूते का शोरूम है जी। हाँ चमड़े के जूते का शोरूम है। और कुछ भैया लोग यहाँ पे हैं जो कि यहीं इंदौर के रहने वाले हैं, तो आप लोग यहाँ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे हमारी जर्नी के बारे में? कहाँ पे जलेबी? वहाँ जलेबी बहुत फेमस है, ट्राई करी कचोरी समोसे। अच्छा और कुछ बोलना चाहोगे आप लोग? यहाँ के स्वच्छ सिटी है, भारत की सबसे, यहाँ के लोग भी मतलब अच्छे हैं, मतलब बहुत सपोर्टिव है। दोस्तों फिलहाल भैया लोगों का कहना मैं यहाँ का पोहा जलेबी बहुत फेमस है, तो ये तो है मध्य प्रदेश में। इंदौर के आइट साइड में घूमने की भी जगह है बहुत सारी और अच्छी जगह है जी। वाटरफॉल से भी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। अच्छा वाटरफॉल है, ठंडे ठंडे वाटरफॉल है बहुत सारे यहाँ पर। यहाँ पर जोगी वाड़ा के काला पानी है। दोस्तों भाई लोग कुछ वाटरफॉल बता रहे हैं, तो फिलहाल अब तो हम नहीं जानते हैं, खैर उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ यहाँ के पोहा तो नो डाउट, पोहा का स्टार्टिंग शायद मध्य प्रदेश से हुई है जो कि राजस्थान में इस समय बहुत फेमस हुआ है। MP से ज़्यादा हम देख रहे हैं राजस्थान में फेमस है। और यहाँ पर भाई लोग बता रहे हैं कि जलेबी और पोहा तो कई जगह में खाने को मिली थी, जलेबी पोहा ऐसी बात नहीं है। और फिलहाल यहाँ तो भारत की सबसे क्लीन सिटी है ही, यहाँ एक दो जगह थोड़ा सा मैंने गंदगी देखा, लेकिन फिर सोचा कि और मिलेगी, लेकिन और कहीं नहीं मिली, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत साफ स्वच्छ मिली। और यहाँ पर एक चीज़ और भी लोग हमें बता रहे थे कि जिसके घर के आगे अगर कचरा मिल जाता है तो उसमें नगर निगम फाइन मार देता है। सही बात है, देखिए भाई लोग भी बता रहे हैं सही बात है। एक कई लोग हमें बताए नगर निगम वो भी छोटा मोटा चालान नहीं करता है, थोड़ा बड़ा चालान करता है कि दोबारा गलती ना करें। खैर ये चीज़ सही है, साफ सफाई मिली। दोस्तों एक दो जगह थोड़ा सा गंदगी थी, तो एक दो जगह रोड पर थोड़ा सा वो दिखाएं वो वीडियो, और एक दो जगह मैंने देखा, लेकिन बाकी और साफ सफाई थी, ऐसी बात नहीं है। तो स्वच्छ और साफ सिटी है। मेन राजवाड़ा है भाई, मैं राजवाड़ा गया ना तो बंद था। अच्छा अभी हड़ताल की वजह से बंद है, लोग कह रहे कि सोमवार को है। सराफा बहुत फेमस है, छप्पन बहुत फेमस है, तो नाइट में रुके तब ना। चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सिटी से बाहर निकल कर खंडवा जाने वाले हाईवे पे आ चुका हूँ। अब यहाँ से लिफ्ट का रेट है, जैसे लिफ्ट मिलेगी आगे बढ़ेंगे, फिलहाल कार या बाइक से मिलेगी क्योंकि ट्रक बस तो चल नहीं रहे हैं हड़ताल की वजह से। तो अब देखते हैं जैसे मिलेगी आगे बढ़ेंगे ओमकारेश्वर मंदिर की तरफ। छोटी छोटी लिफ्ट के बाद हमें एक कुछ दूर आए हैं शहर से, करीब 10-12 किलोमीटर बाद, तो वहाँ से एक फोर व्हीलर में हमें लिफ्ट मिल गई है। ए अर्टिका कार है, ए भैया हैं, देखिए ए भैया हैं और ये मैडम हैं, ये दोनों लोग आगे चल रहे हैं खंडवा की तरफ। तो इन लोगों के साथ हमारी जर्नी यहाँ से जारी है, अब जितना दूर जाएंगे उतना दूर इन लोगों के साथ हम चलेंगे। तो फिलहाल देखिए भैरव बाबा का आगे मंदिर है, यहाँ पे एक यहाँ भैरव बाबा का मंदिर है, बहुत से लोग यहाँ पे आए हैं दर्शन करने। और एक नीचे एक ढाबा है, नॉर्मली देख सकते हैं यहाँ पे नाश्ता वास्ता मिलता है, बहुत बड़ा ढाबा है, एक ही है वहाँ से यहाँ तक। और काफ़ी यहाँ पे फोर व्हीलर से लोग आए हुए, और चारों तरफ जंगल है, ये देखिए ऊपर जंगल है, पर्वत है, पहाड़ है ये, और जंगली पेड़ है। की मदद से ओंकारेश्वर महादेव जी के मंदिर के पास आ गए हैं, यहाँ से वो इधर सीधा चले गए और हमें इधर जाना है, रोड वहाँ से कट गया है। यहाँ से भी 12 किलोमीटर दूर ओंकारेश्वर महादेव जी का मंदिर है। और ये भैया लोग देखे बुला रहे हैं, आइए मिलते हैं इन लोगों से। जी भैया जी बताएं कैसे आप लोग? जय सियाराम। जय सियाराम। देखिए काफ़ी ग्रुप इन लोगों का है। शाम के 5:50 हो रहे हैं और सूर्यास्त हो चुका है। यहाँ से थोड़ा सा हमें लग रहा है आउट एरिया है, MP ज़्यादातर आउट एरिया ही मिल रहा है जंगल टाइप में, तो हमें लग रहा है आगे वही है, लिफ्ट जल्दी नहीं मिल रही है। यहाँ से 12 किलोमीटर महादेव जी का मंदिर है, अगर मिल जाएगी तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो
दर्शन हो सकता है, आज कर लें या सुबह करें वो तो अलग बात है, लेकिन वहीं पे पहुंच जाएंगे तो हमें सही रहेगा। दर्शन तो मान लो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन रात वहीं पे अपना विश्राम करना चाहते हैं रात्रि का। तो कोशिश है लिफ्ट की, देखिए क्या होता है। वहाँ से मेन रोड से भैया आ रहे थे, ये दरअसल यहीं के रहने वाले हैं और ये बैंक मैनेजर हैं। आप किस बैंक में बता रहे थे? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया के बैंक मैनेजर हैं भाई, देखो प्रोविजनरी। ये बैंक मैनेजर के साथ इस समय हम हैं, इन्होंने हमें वहाँ से लिफ्ट दिया, इनके साथ आ रहे थे रास्ते में। यहाँ से करीब एक डेढ़ किलोमीटर पहले बाइक पंचर हो गई। इनकी बाइक है सिटी डिलक्स, नहीं एचएफ डिलक्स है। और देखिए दुकान पर आकर यहाँ पे बनवा रहे हैं और यहाँ से दुकान पे बन जाती है बाइक। तो यहाँ से पास में नर्मदा जी है। दरअसल नया साल जितना अपने इधर जितना हम लोग गंगा जी को पवित्र मानते हैं, उतना ही मध्य प्रदेश में नर्मदा जी को पवित्र मानते हैं लोग। तो नया साल है तो भैया भी नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए उत्सुक थे, कह रहे थे तो सुबह से मूड बना रहे थे, नहीं हो रहा था आपके रास्ते में चल लेते हम, कहे चलो। तो इन लोग के साथ आ ही रहे थे लेकिन बाइक पंचर हो गई, हालांकि बन गई है। तो यहाँ से आप 500 मीटर बता रहे हैं नदी है, यानी कि नर्मदा जी हैं। चलते हैं उनका दर्शन करेंगे फिर आगे देखते हैं। कल भाई ने यहाँ पे सहारा दिया है तो इनके साथ चल रहे हैं। हालांकि ये ओमकारेश्वर जी का एरिया पूरा है, ये 2-4-10 किलोमीटर के एरिया माने में कोई दिक्कत नहीं है। बाइक बन के रेडी हो चुकी और हम लोग नर्मदा जी के दर्शन के लिए निकल गए। ये बांध वाला रोड है। अच्छा बांध है आगे, कौन सा बांध है? इंदिरा सागर बांध है। इंदिरा सागर बांध। अच्छा ये नर्मदा जी को और क्या कहते हैं शिप्रा नदी को जोड़ता है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो नर्मदा शिप्रा परियोजना लिंक है, मतलब नर्मदा का पानी उज्जैन तक पहुँचाया गया है। अच्छा उसके लिए एक क्या बोलते हैं बांध, सेतु लिंक बनाई है। अच्छा सेतु लिंक, हाँ, जिसको नर्मदा शिप्रा हाँ जोड़ सके, परियोजना बोलते हैं, जिसके तहत मतलब क्या होता है कि जो इंदर का इंदौर के आसपास का जो रीजन है जी जी, लेकिन ऑल्सो बेनिफिटेड बाई दी नर्मदा रिवर वाटर। अच्छा जब वो जो नर्मदा का पानी है जी जी वो उस क्षेत्र को मिले, ताकि वहाँ पे जो भी है सिंचाई संबंधित या जो भी वहाँ की जो पानी की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता वो भी उसके है। अच्छा इसीलिए तो नर्मदा जी का और छिपरा जी का लिंक पर इस डैम से बैक वाटर में पूरा आप दिन रोड से निकले होंगे तो एक ग्रीन कलर का पाइपलाइन दिखा होगा। हाँ बहुत मोटी से दिख रहा था वो यही है, यही से निकला है। अच्छा यहाँ से वो पानी जाता रहता है? हाँ, डेली अच्छा। चलता है 24x7 hours चलता रहता है। चलता रहता है। अच्छा ये अपन ओंकारेश्वर में इंटर वहाँ से पहुंचे हो गए थे, यहाँ पे गाड़ी हाँ आगे से अपन राइट लेफ्ट लेंगे तो मेन मंदिर आ जाएगा। चलिए दोस्तों भैया के साथ मेन मंदिर पे चल रहे हैं। मेन मंदिर के पास पहुंच चुके हैं और ये मंदिर है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ के बारे में कुछ भैया बता रहे थे जो कि हम सही समझ नहीं पा रहे थे, हम जो सही नहीं आपको बता पाएंगे तो भैया आप फिर से बताइए। तो लोगों को आप जो हमें समझा रहे थे वो थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि मैं बता नहीं पाऊंगा बाद में। एक्चुअली ये जो मंदिर है, इस मंदिर की परिकल्पना ऐसी मानी जाती है, इसके जो पांडवों का समय था, जो पांडव काल था, पांडव काल में यहाँ पे उस समय ऐसा जाना जाता है कि जो रावण जी थे उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी जी, उन्होंने यहाँ पे शिवलिंग का निर्माण किया था। तत्पश्चात उन्होंने जो पांडव जी थे, पांडव ने आके मंदिर की पूरी रचना करी थी। तो ऐसी मान्यता है हमारे लोकल में कि इस मंदिर को ममलेश्वर मंदिर के नाम से इसलिए जाना जाता है। अच्छा इसी के एकदम सामने ओमकारेश्वर मंदिर है। अच्छा तो जो भी व्यक्ति या जो भी तीर्थयात्री यहाँ पर आता है वो ओमकारेश्वर मतलब ममलेश्वर से दर्शन करते हुए ओमकारेश्वर जाता है तो उसका यहाँ एक तरह से तीर्थ कंप्लीट माना जाता है। जी जी अगर वो आके यहाँ पे नर्मदा स्नान करने के बाद में ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग से अगर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करता है तो उसका एक तीर्थ कंप्लीट माना जाता है। जी ये परिकल्पना हमारे इस एरिया में मानी जाती है। अच्छा तो बाकी तो जहाँ महाकाल है हाँ वहाँ कोई काल हो ही नहीं सकता, वो तो है, ये अधोरचना है यहाँ पर। तो दोस्तों भैया ने ये जो बात बताई है ये मुझे बताए थे, मैं कंफ्यूज था, मैं आपको सही बता नहीं पता तो मैं सोचा भैया के द्वारा ये जानकारी दे दिया जाए वो सही रहेगा। तो चलिए फिलहाल भैया के साथ मंदिर में चल रहे हैं और इतने टाइम में दर्शन करेंगे। मंदिर के पास आ गए, देखिए ये मंदिर है, मेन मंदिर ये है और सामने लिखा है श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, दर्शन है तो श्रद्धालु शांतिपूर्वक दर्शन करें।
ये ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। दरअसल ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग जो ओमकार की मान्यता आप देख सकते हैं कि मतलब काफी दूर से लोग बाग आके किस तरह अपनी जो भी किसी की मांगे रहती। और दोस्तों ये देखिए, लोग लग रहा है कि महाराष्ट्र से आए हैं और कितना श्रद्धा भाव भक्ति से यहाँ पे पूजा कर रहे हैं लोग। इनका पहनावा हमें महाराष्ट्र से लग रहा है। महाराष्ट्र से हैं लोग, महाराष्ट्र, हाँ हाँ महाराष्ट्र से हैं लोग दोस्तों। और देखिए कितना श्रद्धा भाव भक्ति से यहाँ पे पूजा हो रही है। महाराष्ट्र आरंदीपुना। हाँ दोस्तों फिलहाल आरंदीपुना से लोग आए, देखिए बहुत लोग ऐसे आ रहे हैं। अंधेरा हो चुका है खैर इस समय, 7:30 बज रहे हैं, फिर भी यहाँ पे लोगों की भीड़ है। तो चलिए मंदिर में आगे बढ़ते हैं दर्शन के लिए प्रभु के। सामने देखिए ममलेश्वर महादेव जी का ये प्रतिमा बनी है और इसके जस्ट नीचे ये जो है उनकी शिवलिंग है, यानी कि जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है वो यही है। फाइनली इसी टाइम महादेव जी के शिवलिंग के दर्शन हो गया और नीचे नदी में चल रहे हैं हम लोग। माँ नर्मदा जी का इतने टाइम भी दर्शन कर लेते हैं, फिर सुबह का सुबह देखा जाएगा। भैया आए तो इनके साथ हम भी दर्शन कर ले रहे हैं। और ये है मार्केट यहाँ की, देखिए इधर दुकानें सजी हुई हैं और इधर कुछ दुकानें बंद हो चुकी हैं, इधर फिलहाल चालू हैं बहुत सी दुकानें। देखिए यहाँ आप देखिए छोटे बड़े साइज की शिवलिंग यहाँ पे बेच रहे हैं लोग। ये देखिए पत्थर, ये नर्मदा नदी से काफ़ी शिवलिंग आकार के पत्थर निकलते हैं, ये नदी का पत्थर है। दोस्तों भैया के साथ फाइनली नर्मदा जी के तट पे आ गए हैं और ये देखिए अंधेरा है, साफ तो नहीं दिख रहा होगा, खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ये नर्मदा जी हैं, देखिए काफ़ी नाव यहाँ पे लगी हुई है, बहुत से लोग इतने टाइम यहाँ पे आ रहे हैं, हाथ पैर विदुर रहे हैं, कुछ लोग नहा भी रहे हैं। भैया जी वहाँ हैं, एक हाथी ला रहे हैं। और सामने देखिए ओमकारेश्वर महादेव जी हैं, ये सामने ये वाला मंदिर उनका है। तीर्थ कहाँ से स्टार्ट करेंगे परिक्रमा? कहाँ से? ये ब्रिज दिख रहा है ना? अच्छा इस ब्रिज से, ब्रिज के उस कोने से पूरा पूरा सीढ़िया चलेगा ना, ऐसा चलते चलते आया ना, हाँ। तो वो पूरा उस पार तक चलेगा है ना, उस पार से। अच्छा राउंड होते हुए यहाँ पे, वहाँ से यहाँ खत्म होगा, यहाँ पे ब्रिज के एंड पे खत्म होगा। अच्छा दोस्तों यहाँ पे परिक्रमा होता है, 3 किलोमीटर परिक्रमा है ओमकारेश्वर महादेव जी का, यहाँ से स्टार्ट होगा ये ब्रिज के लास्ट में से, यहाँ से और पूरा 3 किलोमीटर की पहाड़ी का आप राउंड करते हुए आएंगे तो इस वाले ब्रिज के पास यहाँ पे खत्म हो रहा है। भैया बता रहे हैं तो परिक्रमा हम सुबह करेंगे। फिलहाल ये देखिए सामने ओमकारेश्वर महादेव जी हैं और नीचे माँ नर्मदा जी। फिलहाल अब नर्मदा जी का भी दर्शन करके वापस यहाँ के बस स्टैंड है, देखिए ये बस स्टैंड के पास आ गए। अब यहाँ पे हम रैन बसेरा का देखेंगे, मिलेगा ठीक है, नहीं तो अपना तो व्यवस्था है तो है ही। तो खैर भैया का यहीं तक का साथ था, अबे जाएंगे घर यहाँ से। अब इनका घर वापस 5-6 किलोमीटर होगा, 5-6 किलोमीटर दूरी पे होगा भाई। अब शादीशुदा इनकी बीवी बच्चे हैं तो हम कह रहे हैं भाई देख रहे बीवी मारे ना। खैर ये तो रही बात, मजाक की बात है। खैर बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, आपकी मदद से हमने यहाँ पे आ भी गए और घूम लिए भैया कुछ इतने टाइम दर्शन कर लिए। तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद इनकी हेल्प से, थोड़ा सा घूम भी लिए और वापस बस स्टैंड पर हमें छोड़ भी दे दिए। ध्यान रखना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करो, फॉलो करो, शेयर कराओ, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हमारे लिए एक काफ़ी अलग चीज़ें हुई है जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे। फिलहाल पहले इन लोगों से मिलिए, ये लोग आप लोग कहाँ, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? जरूर दीजिए। उदयपुर से, उदयपुर से आप लोगों? उदयपुर से। अच्छा सर, अच्छा आप लोग घूमने के लिए आए थे। तो दोस्तों फिलहाल ये जो भैया लोग हैं सभी लोग अपने अपने सिस्टम यानी अपने अपने मैडम के साथ हैं। थोड़ा सासी मजाक की वेब से बोल रहे हैं, अन्यथा ना लीजिएगा, सभी लोगों की अपनी खुद की मैडम है, दूसरे की मैडम नहीं है। तो ये लोग हमें उज्जैन महाकाल जी के दर्शन करने गए थे तो भैरव बाबा मंदिर में मिले थे और मैं इन लोगों को ध्यान नहीं दे रहा था, ये लोग यहाँ पे हमें ध्यान दिए। तो बातचीत इन लोगों के साथ करीब आधे घंटे से यहाँ पे इन लोगों के साथ बातें हो चल रही है, हंसी मजाक चल रही है। और ए मैडम गुजरात की आप हो ना? हाँ। ये गुजरात की है, ये गुजरात की कैटिस दी हमें घूमने के लिए, वहाँ पे बताई भी जिससे कि हमें आगे ईजी हो सके। तो फिलहाल इन लोगों के साथ यहाँ कुछ मस्ती मजाक एक घंटे से जारी है और हम कोशिश कर रहे हैं आगे यहाँ पे रैन बसेरा ढूंढने की। सामने एक लग रहा है लेकिन देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर भी हमें रहने का स्थान मिल गया है, रैन बसेरा है लेकिन 50 रुपये लेकिन चार्ज किए हैं लोग, तो खैर इसी में हैं। और यहाँ पर खाना खाने गए तो बहुत महंगा है यहाँ पर चार्ज कर, 200-200 रुपये खाने का चार्ज है सिंपल थाली।
फुल प्लेट सब्जी है, हाफ प्लेट है ये नहीं, फुल प्लेट 120 से ऊपर की है भाई साहब। मैं क्या छोड़ो यार, फिर वापस आ गया और कुछ हमारे बैग में बिस्किट नमकीन और टॉफी पड़ी है चॉकलेट, तो अब यही हम खाते हैं अब। तो चलिए दोस्तों, नए साल का ये हमारा पहला वीडियो रहेगा, शूट मतलब नए साल में शूट किया हुआ पहला वीडियो है। तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और शुभ रात्रि के साथ साथ नया साल आप लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए।